नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात है सच। वक्त दोपहर के 2 बजे, दिन मंगलवार, स्थान व्हाइट हाउस। तभी एक इमरजेंसी संदेश के आने की सूचना मिलती है। यह संदेश अमरीकी खुफिया एजेंसियों के द्वारा व्हाइट हाउस को भेजा गया था। इस संदेश में यह स्पष्ट बताया गया कि ईरान की तरफ से अमरीकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई हो सकती है। अमरीकी सुरक्षा भाषा में इसे स्क्वाक कहा जाता है। संभवतः इस संदेश ने अमरीका को काफी सतर्क कर दिया था। लेकिन इसी संदेश के साथ एक बड़ी बात और भी थी। ईरान के बड़े नेताओं ने मिलिशिया को यह आदेश भी दिया था कि किसी कार्रवाई में किसी भी अमरीकी सैनिक और नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यानी अमरीका के लिए यह एक राहत भरी खबर थी। अब सवाल उठता है कि ईरान ने 3 दिनों तक क्यों दुनिया में भय का माहौल पैदा करके रखा? क्यों उसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह झूठी खबर फ्लैश की कि उसने इरबिल और अल असद सैन्य ठिकानों को बड़ी क्षति पहुंचाई है? दरअसल यह सब ईरान की घरेलू राजनीति के दबाव में उठाया गया कदम था। उसकी जनता जिस प्रकार उबल रही थी, उसे शांत करने का कुछ ना कुछ करने से यह सब करना कहीं अधिक बेहतर था। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका अब यह खुद स्वीकार कर रहा है कि ईरान द्वारा चलाई गई मिसाइल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ईरानी नेताओं ने मिसाइल दागने की योजना में संयम से काम लिया और जो मिसाइलें ईरान ने छोड़ी उन्हें सीधा सैन्य ठिकानों पर नहीं गिराकर उसके आसपास के एरिया में इतनी दूरी पर गिराएगा जिससे सैन्य बेस तक उसका असर मामूली हुआ। यानी इसका मतलब यह है कि ईरान जानता था कि अगर उसकी तरफ से कुछ भी गलत हो गया तो अमेरिका की तरफ से उस पर कहीं बड़ा एक्शन हो सकता है, जिसे संभालना उसके बूते की बात नहीं थी। ईरान यह भी जानता था कि एन अल असद के इलाके में अमेरिका के करीब 1000 सैनिक तैनात है। अगर उसकी तरफ से निशाना सटीक लग गया तो यह महायुद्ध का रूप ले लेगा, जिसके लिए ईरानी नेताओं ने बेहद संयम से काम लिया और अपनी जनता का गुस्सा शांत करने के लिए एक औपचारिक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मगर इसके बावजूद ईरान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अमरीकी सैन्य बेस पर मिसाइल दागने के बाद घबराहट में यूक्रेन का विमान गिरा डाला। दरअसल ईरानी रडार सिस्टम समझ बैठे कि अमरीकी विमान उन पर हमला करने आ रहे हैं, जिसके बाद उसे मिसाइल से दाग कर गिरा दिया गया। इस विमान में सवार 176 यात्रियों में से कोई नहीं बच पाया। ऐसी ही गलती फरवरी 2019 में भारत से भी हुई थी, जब पाकिस्तान के रिएक्शन के बाद अपना ही चोपर गिरा डाला गया था। अब लगता यूं है कि ईरान जिस तरह की बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहा है वह केवल अपनी जनता को गुमराह करने के लिए है। यह ठीक उसी तरह है जिस प्रकार पिछवाड़े पर जूते खाने के बाद पाकिस्तान किया करता है। यानी जब घर में नहीं होते दाने, अम्मा को किसके द्वारे भेजे भुनाने। वैसे भी युद्ध हथियारों से ज्यादा पैसे से लड़े जाते हैं। पैसे नहीं तो हथियार भी एक सीमा तक जाकर अपना मुंह बंद कर लेंगे। ईरान की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी प्रतिबंधों ने चौपट कर डाला है। देश में बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में उसके लिए घरेलू हालात ही जंग के समान बने हुए हैं। अमेरिका से उलझना न उसके वश की बात है और न हित में है। इसका मतलब यह है कि ईरान अब जल्दी ही वार्ता की मेज पर आने वाला है, जिसके लिए भारत का सहयोग लिया जा रहा है। भारत का कद दुनिया में विश्वसनीय भी है और निष्पक्ष भी। ऐसे में 3 दिन की नौटंकी के बाद ईरान अब ट्रंप के बयान से राहत की सांस ले रहा है। इस बात के लिए ट्रंप की प्रशंसा भी हो रही है कि उन्होंने अपने आक्रामक स्वभाव के विपरीत जाकर काफी संयम से काम लिया और ईरान के घरेलू हालात को समझते हुए दुनिया को मुसीबत में जाने से बचा लिया। जानकार तो यह भी बताते हैं कि इस संघर्ष को रोकने में भारत ने एक बड़ा रोल अदा किया है। भारत के अमेरिका और ईरान से मजबूत रिश्तों के चलते पिछले शुक्रवार से ही भारत इन देशों के संपर्क में था। किसी भी संघर्ष को टालने के लिए भारत का संपर्क इन देशों से बना रहा और निरंतर तनाव कम करने के लिए बातें होती रही। ईरानी राजदूत अली चैगनी के दिए बयान ने कल इसका इशारा भी कर दिया था। भारत को पहले से आभास था कि क्या हुआ और क्या होगा, इसलिए जब चीन इराक में मौजूद अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा था, भारत शांत बैठा था। भारत ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जरूर जारी की,
लेकिन चीन की तरह भगदड़ वाली स्थिति उत्पन्न नहीं की। इसका मतलब यह है कि केवल घरेलू पटल पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी राजनीतियां होती है जिसे आम व्यक्ति के समझने की वश की बात नहीं है, यानी जो दिखाई देता है उसके पीछे कुछ और ही चल रहा होता है, जैसा कि आज भी चल रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।